आफ्टरनून, कैसे हो आप सब लोग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस अभी दोपहर का काम रह गया है और अभी बहुत अच्छी बारिश हो रही है। पीछे खिड़की से आप लोगों को अच्छे से शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन काफ़ी तेज हवाएं चल रही है। और अभी टाइम बता देती हूँ, दोपहर का 1 बजे का टाइम हो गया और दिन तारीख पता ही है, आज है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो बस ये भी अभी जस्ट आए थे थोड़ी देर पहले, क्योंकि आज इनकी छुट्टी है। 15 अगस्त के दिन सबकी छुट्टी होती है, लेकिन हम औरतों की छुट्टी नहीं होती है, घर के काम की छुट्टी नहीं होती है, वो तो सबको करना ही पड़ता है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में। और किचन में सारा काम वैसे तो कंप्लीट है, लेकिन इधर अभी की मैगी बन रही है किचन में। ओहो, ये थोड़ी सी चम्मच है ना, इसकी गर्म हो गई है, दूसरी चम्मच लगानी पड़ेगी इसमें। तो पहले अभी का खाना बनाना पड़ता है, उसके बाद में मैं हमारे लिए खाना बनाऊंगी। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक कि मैं खाना बना लूँगी और अभी के पापा उसको खाना खिला देंगे, उसके बाद में हम लोग खा लेंगे। तो बस आज मैं खाने में क्या बनाने वाली हूँ, आज कढ़ी बनाने वाली हूँ, पकौड़े वाली कढ़ी। कढ़ी पकौड़े होते हैं ना, वैसे पकौड़े नहीं, पकौड़ी वाली कढ़ी बनाने वाली हूँ। तो उसके साथ में ये तो बोल रही तू चावल बना ले, लेकिन चावल मुझे नहीं जमता चावल का, क्योंकि चावल मैं बहुत कम खाती हूँ। ये तो बन चुकी है, इसको बंद कर दे। ऐसे ही ठंडी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, और हमारा अभी देखिए क्या कर रहा है। जो भी इसमें कपड़े थे सारे इसमें फेंक दिए। अभी अभी क्या बने हुए हो, भूत बने हो बेटा, ये कपड़ों की है, उसमें डालो कपड़े। वाह वाह, क्या है। चलो हाय करते सब लोगों को। अरे फोन में डरा रहा है सबको, अभी हाय करो। बस अभी का तो ये काम है, चलता रहेगा। तो चलिए खाना बनाना जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे किचन पूरा साफ सुथरा है, क्लीन कर दिया था मैंने सुबह के जो भी बर्तन हुए थे उनको सबको। और आज मैंने ये रेड कलर की मांग भरी है, रोज आप देखते होंगे मैरून कलर की बर्तन, लेकिन आज ही थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। तो चलिए गाइस खाना बना लेती हूँ मैं जल्दी से, नहीं तो सबसे पहले कढ़ी पकौड़ी बनाने के लिए, यहाँ पे मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए बस एक मैंने प्याज लिया है और एक हरी मिर्च ली है, और आप चाहो तो सिंपल बेसन में नमक मिर्च मसाला डाल के घोल के सिंपल पकौड़ी भी तल सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया, इसमें मैंने प्याज हरी मिर्च डाल दी है। और बस अब इसके अंदर जो सूखे मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो आता है हमारा जीरा वो भी मैंने डाल दिया है, बस थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है, और अभी मैंने थोड़ा सा जीरा डाला इसके अंदर। तो बस अब इनको अच्छे से मिक्स करके घोल तैयार कर लेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। और ये इतना घोल काफ़ी होता है, वैसे तो ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन बाद में खा लिया था, मतलब एक बार में जो पकौड़ियाँ निकली थी वो अभी के पापा ने खा ली थी, क्योंकि वैसे खाने के लिए भी हम ऐसे ही बनाते, बस इसमें थोड़ा सा धनिया वगैरह तो एक्स्ट्रा डालते, तो वैसे भी टेस्टी लग रही थी। और जिस घर में बच्चे होते हैं ना वो तो शायद छोड़ते नहीं है, क्योंकि पकौड़ियाँ बनती है तो बच्चों को ज़्यादा शौक होता है इन सब का। तो बस हमारा गोल है जो पकौड़ी बनाने का वो हो गया रेडी। तो चलिए अभी पकौड़ी उतारना जो भी स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, एक्स्ट्रा ही डाला, क्योंकि इसी में मैं फिर कढ़ी को छोंक लगा दूंगी। तो मैंने ये डाला तो थोड़ा सा तेल मुझे ठंडा सा लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी सी देर के बाद में रुको कि इसमें एक बार में जितनी इस कढ़ाई में आ रही थी मैंने सारी पकौड़ियाँ डाल दी थी। तो ये देखिए एक बार की पकौड़ी है वो तल चुकी है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। और ज़्यादा मतलब इनको ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गई थी ब्राउन, लेकिन इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, नहीं तो ये ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है, अच्छी नहीं दिखती है कढ़ी में, क्योंकि कढ़ी का रंग सुनहरा होता है। तो यहाँ पर मैं एक टेस्ट कर रही थी थोड़ी सी, क्योंकि फिर इसमें नमक मिर्च मसाले का सबका पता चल जाता कहीं ज़्यादा कम तो नहीं रह गया है। तो बस पकौड़ियाँ सारी बन चुकी थी, अभी लगाना था कढ़ी में छोंक। तो ये जो एक्स्ट्रा तेल था उसको मैंने एक कटोरी में निकाल दिया, साइड में रखा है। उसके बाद में मैंने इसमें हींग जीना और ये थोड़ी सी राई और थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी मैं तड़के में, क्योंकि इनका टेस्ट अच्छा आता है और अजवाइन वगैरह बहुत ही अच्छी होती है डाइजेस्ट करने के लिए खाने को।
और अब इसके अंदर मैं दो लौंग डाल दूंगी। और जैसे ही मैंने इसके अंदर लौंग डाली ना, बिल्कुल ये उछल के आ गई थी ऊपर। ये तो मैं थोड़ी सी दूर खड़ी थी, लेकिन हाथ में छींटे लग जाती है कभी कभी। और अभी मैंने इसमें ये कड़ी पत्ता था, करी पत्ता क्या होता है ये, इसमें मैंने डाल दिया, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता, खुशबू अच्छी आती है खाने में सब्जी में। और उसके बाद में इसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्च कट करके रखी थी वो डाल दी है। उसको थोड़ी सी देर मैंने पकाया। उसके बाद में सूखे मसाले होते हैं सारे, उनको मैंने घोल करके डाल दिया इसके अंदर। और इसमें लहसुन भी इन्हीं में था, तो बस अब इसके अंदर फाइनली मैं टमाटर डाल दूँगी। और टमाटर डालने के बाद में इनको थोड़ा सा पका लूँगी, और जब ये पक जाएगा तब इसके बाद में ये जो मैंने घोल बना के रखा हुआ बेसन डाल के दही में, और ये डाल दूँगी। अब मैं इसको चलाते जाऊँगी कंटिन्यू। और जैसे ही हम ये घोल डाल देते हैं ना, उसके बाद में तो एक सेकंड के लिए भी रुक नहीं सकते, क्योंकि फिर कड़ी फटने का चांस रहता है। और इसको लगातार कंटिन्यू मैंने गैस को फुल करके चलाया है, और बहुत ही जल्दी अच्छी सी टेस्टी सी हमारी कड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो बस अभी इसमें उबाल आने वाला है। उबाल आने के बाद में थोड़ी देर के लिए मैं इसको चलाऊंगी, क्योंकि तुरंत मैं इसको नहीं छोड़ती हूँ, मुझे डर रहता है कहीं अभी भी फट ना जाए कड़ी। और किसी किसी के हाथ का होता भी है कड़ी फटने लगती है, तो उनके हाथ की सही नहीं बनती है, पर पता नहीं ये सब होता भी है नहीं। तो बस फाइनली कड़ी बन चुकी थी, अब इसमें पकौड़ियाँ डालनी बाकी रह गई थी। तो बस अभी सारी पकौड़ियाँ मैंने इसमें डाल दी, और थोड़ी अभी के पापा ने खा भी ली थी, मैंने आपको बताया। पकौड़ी डालने के बाद में भी मैंने कड़ी को 10-15 मिनट के लिए बॉईल किया था, गैस को मैंने बिल्कुल स्लो पे कर दिया था। और उसके बाद में इधर मैं चावल छोंक नहीं रही, चावल चढ़ा रही हूँ गर्म पानी में। और वैसे भी मेरी तो एक भी नहीं चली पति की पसंद के आगे, क्योंकि इनको खाने थे चावल, मुझे खानी थी रोटियाँ। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो इनकी मर्जी है तो क्यों ना आज पति की पसंद का लंच बना देते हैं। तो बस अभी लास्ट में मैंने कड़ी में डाल दिया है घी, और घी का टेस्ट कड़ी में बहुत ही अच्छा आता है। और वैसे ऊपर से भी हम घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसी वक्त डाल देती हूँ तो थोड़ा सा पक जाता है इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने एक प्लेट रख दी थी साफ, और उसके ऊपर ये छलने रख दी थी। वैसे तो सिंक भी साफ ही था, लेकिन फिर भी मैंने रख दिया, क्योंकि ऐसे मन नहीं करता ना साफ सुथरी चीज़ें, खासकर खाने पीने का सामान इसमें ऐसे रखने का। तो बस अभी ऊपर से मैंने ठंडा पानी डाल दिया इसमें, और चावल बन के रेडी हो गए। और चावल बनाना तो बहुत ईजी है, रोटियों से तो ज़्यादा ईजी है। तो मैंने इनको बोला कि चावल में तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा लंच तो मैं आपके लिए रोज़ बना दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने डाल लिए थे अपनी थाली में चावल, और कड़ी मैंने पहले ही डाल के रख दी है, क्योंकि कड़ी फिर मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडी हो जाए, चावल तो गर्म थे। तो बस ये लीजिए फाइनली सिंपल सा लंच है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश है कड़ी चावल। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना, और इधर हमारा अभी देखो क्या कर रहा है, आप लोगों की तरफ देख रहा है, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कैमरा जब भी चालू होता है ना तो ये इसकी तरफ देखता रहता है। तो अभी हम लोग बैठ के खा लेते हैं खाना। तो ये लीजिए शाम की चाय पी लीजिए आप लोग भी। दोपहर को जब खाना खाया उसके बाद में सो गए थे, अभी कुछ लाया था तो इसके साथ में नींद आ गई, सारा काम पड़ा ऐसे ही, क्योंकि पता ही नहीं चला नींद आ गई। बारिश का सा मौसम हो रखा है, और फिर एक बार नींद आ जाती है, अभी जब तक खड़ा नहीं होता मेरी भी आँख नहीं खुलती है। और ये अभी को दूध पिला रही थी, पी भी नहीं रहा अभी ने टीवी में ध्यान लगाया हुआ इधर, और इसके पापा भी अभी यहीं पे हैं। तो देखते थोड़ा सा अभी हम बाहर घूमने की सोच रहे हैं, कुछ सामान लेके आना थोड़ा बहुत है वो लेके आएंगे। तो बस चाय पी लेते हैं, चाय बना ली, इसके पीने के बाद में थोड़ा सा मतलब थकावट दूर होगी, नींद दूर होगी, नहीं तो अजीब सा लग रहा है। तो चलिए आप लोग भी, वो चाय पीने के बाद में मैंने आपको बोला था हम बाहर जाएंगे, लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि बारिश का मौसम था, बारिश आ रही थी। तो बीच में सोचा कि अभी को लेके कहाँ जाएंगे, तो इसके पापा ही गए थे थोड़ी देर बाद में। तो यहाँ पे कुछ कपड़े थे उनको मैं समेट के रख रही थी, और ये अभी को बुक में मतलब कुछ बना के दे रहे थे रजिस्टर में, इसको चित्र से तो ये खुश हो जाता है ऐसे, मतलब थोड़ा बहुत खेल लेता है ये, और पेंसिल से खुद भी मतलब चला लेता है मतलब जो कॉपी होती है उसमें।
तो मैं सभी को थोड़ी देर बैठ के खिला रही थी, मैं अपना काम कर रही थी। उसके बाद में ये बाहर से आ गए थे। सब्जी में बस लौकी मंगवाई थी मैंने, और डेली सब्जी ले आते हैं, पहले हम वीकली लेके आते थे लेकिन आजकल डेली भी ले आते हैं। ये जब जाते हैं ड्यूटी पे तो बीच में शॉप आती है तो वहाँ से ले आते हैं। तो बस यहाँ पे बनाना और ये जो भी सब्जी लेके आए इसको मैं धो के रख दूंगी अच्छे से। और शाम होते होते अभी रात का काम भी स्टार्ट हो गया है। अभी शायद पता नहीं क्या टाइम हो रखा था, 7:30-8 का मुझे दूध गर्म रखना था, और रात के टाइम में जो दूध बॉयल करते तो बस मैं वही रखती थी। और अभी आ रहा था बीच बीच में, इसको पहले तो सूप खाने की मतलब होता था, अब मैंने सूप में मिश्री मिला दिया, तो ये मिश्री इतनी खाता नहीं है। तो इसको ये होता है कि वो जीरे वाला डिब्बा होता है उसको ले आता कि मुझे ये खाना है भी। तो दो चार जाने जब मैं इसको खिलाती हूँ तो ये खा भी लेता है, पता नहीं इसको क्या टेस्ट लगता है सूप और जीरा। तो दूध बॉयल हो रहा था तब तक मैं सोची कि कोई काम भी नहीं है, बर्तन भी नहीं थे और कोई काम भी नहीं था, लेकिन कुछ कुर्ते थे मेरे जिनको प्रेस करनी थी तो मैंने सोचा इनको कर लेती हूँ। और खाली टाइम में यही होता है, कोई भी काम दिखे वो कर लेना चाहिए क्योंकि काम फिर ज़्यादा नहीं बढ़ता है। वैसे तो शाम के टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन आज मुझे खाने में कुछ बनाना नहीं था रात के लिए, तो बस मैंने सोचा कुछ कपड़े हैं इनको प्रेस करके रख देती हूँ तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो मैं साथ साथ में प्रेस करती हूँ जैसे जैसे पहनती हूँ, या फिर टाइम लगता है तो मतलब एक साथ में भी कर लेती हूँ। तो बस अभी सारे जो भी मेरे कुर्ते वगैरह थे, सलवार थी, सूट थे, और अभी की थी 2-3 टी-शर्ट, अभी के पापा के इतने नहीं होते क्योंकि स्पोर्ट्स टाइप के कपड़े पहनते हैं तो उनको मतलब प्रेस करने का इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो बस अभी इस लास्ट वाले कुर्ते को भी मैंने प्रेस कर दिया है, और प्रेस का काम भी फाइनली कंप्लीट हो चुका, बस इतने ही कपड़े थे। लेकिन इसमें भी टाइम तो लग ही जाता ना, प्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बैठे बैठे मेरे तो कमर भी दर्द करने लग जाती है। और यहाँ पे अभी के पापा जो मिक्सी होती है इसको थोड़ा सा ऊपर से साफ कर रहे थे, इसमें थोड़ा सा डस्ट वगैरह बैठ ही जाता है अंदर की साइड इनके, तो ये कॉलिन लेके अच्छे से साफ कर रहे थे। मेरे से ये मतलब अच्छे से होती नहीं है तो मैंने इनको बोल दिया था कि ये काम आप कर लीजिए। और अभी जैसे ही कॉलिन देखता है ना तो वहीं पे वो आ जाता है, तो इसको ये था कि हाँ चलो आज तो मिलेगा, मम्मा ने तो नहीं दिया लेकिन पापा के पास में तो मिल ही जाएगा। तो अभी हम इस वीडियो का करेंगे एंड, और टाइम बता देती हूँ, टाइम 9:03 हो गए अभी। वैसे सारा काम कंप्लीट है, दूध भी गर्म कर लिया था, अभी को भी बनाना खिला दिया है, सारा काम कर लिया, बस थोड़ा सा प्रेस कर रही थी ना तो मेरे सर में ऐसे अजीब सा दर्द सा होने लगा नीचे नीचे देखते देखते, एक उसकी हीट आ रही थी प्रेस की उसकी वजह से। तो बस, और खाने में मैंने जो दोपहर में कढ़ी रह गई थी ना उसको, उसमें पकौड़ियाँ थी तो कढ़ी पकौड़ी थोड़ी सी मैंने खा ली, और थोड़ी कढ़ी इनके लिए बच गई थी तो इनको जो ब्राउन ब्रेड आती है वो मैंने मतलब सेक के बटर में इनको दे दिया, तो ये वो खा लेंगे, बस इतना ही है। वैसे भी दोपहर में हमारा जो लंच होता वो लेट ही हुआ था, तो बस मैं ऐसे लेटी हुई थी, सर में दर्द हो रहा था तो मैं सोची थोड़ी देर लेट जाऊँ तो रिलैक्स मिलेगा अकेली। और बस वीडियो का एंड करके मैं अभी घर पे बातें करूँगी अभी आराम से, क्योंकि सुबह से मैंने बात ही नहीं की। और इधर मैंने अपनी ग्रीन टी बना ली है, तो ये बस अभी मैं आप लोगों से बात करने के बाद में ग्रीन टी पीऊँगी, और उसके बाद में अभी को देखते क्योंकि अभी 9 बजे है, वो सोने वाला नहीं है, शाम को लेट ही खड़ा मतलब खड़े हुए थे मैंने आपको बताया, तो 11 बजे से पहले तो बिल्कुल नहीं सोएगा। और बस तो मैंने इससे पहले वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर आराम से रिलैक्स होकर घर पर बातें करूँगी। तो बस इसीलिए आज का छोटा सा व्लॉग था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और मैं भी ऐसे लेट के वीडियो का एंड कर रही हूँ, मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे वीडियो का एंड करना, आलसी बनाता है। और ये सूट मैंने लिया था ना, ये सूट बहुत ही मतलब ख़राब निकला है, इतना पतला सूट है, लेकिन क्या करें 800 रुपये लगे थे, मेरे पहनना भी पड़ता है, इसकी सिलाई भी लगी थी, और फिर फेंक भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इतने सूट है नहीं, तो जैसा जो भी है काम चलाने के लिए मैं पहन लेती हूँ, और काफ़ी पतला मुझे दिख रहा है, पर कोई नहीं। और आज मुझे ऐसे एक अजीब सी ठंड सी लग रही है, क्योंकि बहुत मतलब सुबह से बारिश कंटिन्यू होते जा रही है, तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं चल रही है, और ऊपर से पंखा भी तेज है, तो बस
चलिए गाइस, जब भी आप लोगों को गुड नाइट बोल देती हूँ मैं, क्योंकि वीडियो तो छोटा ही है, लेकिन अभी मैं बात करने लग जाऊंगी तो हमारी बातें कभी खत्म नहीं होंगी और ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और अगर हाँ अभी भी पसंद है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना। चलिए बाय बाय।